हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आप कैसे जरोदा में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक नहीं है तो, और दूसरा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप जरोदा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तीनों केसेस में आप जरोदा में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको, उसके लिए इस वीडियो को आपको मैं बता देता हूँ। मैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जरोदा का डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, तो आप मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर कर लीजिएगा डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। या फिर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9916588064, मुझे मैसेज करिए या फिर मुझे कॉल करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। मैं ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप जैसे ये लिंक को क्लिक करेंगे ना, आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन अप नाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आपको आपका फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद आप जैसे आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करते हैं, आपके फोन पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी को डालने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेम और ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद पे आपके ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी को डाल के आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये दोनों डालने के बाद फिर दोबारा आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कॉमोडिटी, किसमें आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर मुझे इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी सभी में करना था, सभी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए 200 रुपीज पे करना पड़ता है, जरोदा में ये फ्री नहीं होता। ठीक है, तो जरोदा में अकाउंट ओपनिंग का 200 फीस है। तो यहाँ पे आप पे एंड कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में, जैसे मैंने यहाँ पे इक्विटी एंड एफ एंडो किया है, कॉमोडिटी को नहीं किया। कॉमोडिटी भी करता तो मुझे और 100 रुपीज पे करना पड़ता। इक्विटी एंड एफ एंडो करने के बाद पे मैं यहाँ पे एंड कंटिन्यू करता हूँ, अपने नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद पे मुझे यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डिटेल डालना है। तो मदर नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपने मदर का नाम डाल दीजिएगा, आप उनका अर्निंग रिपोर्ट डाल दीजिएगा, बैकग्राउंड डाल दीजिएगा, यहाँ पे नो डाल दीजिए। फिर दोबारा आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद पे आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल डालना है, बैंक ब्रांच, IFSC कोड, MICR कोड, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सभी चीजें डालने के बाद पे यहाँ पे आप नीचे में यहाँ पे इनको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में दोबारा आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा आपका बैंक डिटेल सभी आ गया। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ये वेबकैम वेरिफिकेशन आएगा, IPV। तो यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर में ये जो कोड यहाँ पे आएगा वो कोड को लिखना है। व्हाइट पेपर में कोड को लिख के आपको यहाँ सामने सेल्फी रिकॉर्डिंग करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी करेंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज योर कैमरा। तो यहाँ पे कैमरा को यूज करके आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद पे यहाँ पे आप व्हाइट पेपर में लिख के यहाँ पे कैप्चर बटन पे क्लिक करिएगा। कैप्चर करने के बाद पे यहाँ पे अगर आपको फीचर एंड ऑप्शन भी आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको या तो आपको कैंसिल चेक या 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, दोनों में से कुछ भी अपलोड करना होगा। तो या कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद पे यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिएगा। कंटिन्यू बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकम प्रूफ ये ऑप्शनल है, फिर सिग्नेचर और पैन कार्ड। व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और पैन कार्ड को भी आप फोटो खींच के फोन से आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करने के बाद में कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करिएगा। सभी डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, सिग्नेचर, पैन कार्ड सभी कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आप बोल रहा है दिस विल बी योर अकाउंट टू बैंक, सेल, शेयर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, NSE, NBFC। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई साइन आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे ई साइन बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, प्रोसीड टू ई साइन, तो यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आप फॉर्म को आगे प्रोसेस मत करिएगा, यहाँ तक ही सिर्फ फॉर्म को प्रोसेस करिए। उसके बाद में आपको क्या है ना, जरोदा की टीम वाले कॉल करेंगे कि आपको डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है जरोदा में। अगर आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक नहीं है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन सभी तरीके से वो लोग आपको गाइड करके देंगे। और जैसे कि आपको मैंने बताया, ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है अगर आपका आधार कार्ड आपके फोन नंबर से लिंक नहीं है तो। जो कि हम करते हैं ई मुद्रा के प्रोसेस से करते हैं। तो ई मुद्रा ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है,
जहां पे जिनका आधार कार्ड नहीं होता या आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक नहीं होता, तो हम पैन कार्ड से वेरीफाई करके उनका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। और पैन कार्ड से वेरीफाई करने के बाद में डीमैट अकाउंट जो ओपन करते हैं, आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप जरूरत में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं आपको क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।